महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाकर बेहद फेमस हुई गूफी मेंटल अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गूफी लंबे समय से काफी बीमार थे और उनकी हालत अब और बिगड़ गई थी। कुछ दिन पहले ही टीवी एक्ट्रेस टीना घई ने गूफी मेंटल की हालत सीरियस होने की कंफर्मेशन सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी थी। इसके साथ ही टीना घई ने अपने इंस्टाग्राम पर गूफी मेंटल की एक फोटो शेयर कर उनकी खराब तबीयत की जानकारी दी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि गूफी मेंटल हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इस दुखद खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। एक तरफ बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर का निधन हुआ, तो अब गूफी मेंटल के निधन की खबर सुन इंडस्ट्री काफी दुख में है। गूफी मेंटल काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनके निधन की वजह और बीमारी अभी तक सामने नहीं आई है। गूफी मेंटल के करियर की बात करें तो उन्होंने 1980 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, वहीं वे टीवी सीरियल्स में भी नजर आए। हालांकि उन्हें बीआर चोपड़ा के सीरियल महाभारत ने शकुनी मामा का किरदार निभाकर घर घर पहचान मिली। आज भी ये किरदार लोगों के जहन में जिंदा है। बता दें कि गूफी एक्टर बनने से पहले इंजीनियर थे।